हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके जो रेलवे के ग्रुप डी का फर्स्ट फेज कभी का कंप्लीट हो चुका है। आपको पता है 17 से लेके 25 सितंबर के बीच में है दोस्तों, तो उसके रिगार्डिंग एक अपडेट आया है। तो दोस्तों, देख लेंगे इस वीडियो में क्या अपडेट आया है आंसर की और रिजल्ट को लेकर। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, जिनका भी अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जैसे हुबली जोन वाले का बाकी है, तो इस चैनल पर जाइए। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, मेरा खुद का एग्ज़ाम रिव्यू बताया मैंने, मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। फ्रेंड्स, उस वीडियो को देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग क्या अपडेट आया फर्स्ट फर्स्ट के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम चलते हैं टाइम्स नाउ नव भारत, ये एक अखबार है दोस्तों, जहाँ की एक न्यूज़ है। तो फ्रेंड्स, आइए इस पर चर्चा करते हैं। रेलवे ग्रुप डी फेस फर्स्ट रिजल्ट 2022 डेट। रेलवे भर्ती बोर्ड जल्द ही आरआरबी ग्रुप डी फेस फर्स्ट की आंसर की जारी करने वाला है। प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद यहां आपत्ति दर्ज करवाने के लिए समय दिया जाएगा। आपको पता है फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, यानी दो से चार हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, जो कि गलत होंगे, उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। फ्रेंड्स, नीचे चलते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। 17 अगस्त से 25 अगस्त तक आपकी ये फेस फर्स्ट कंप्लीट हुआ था। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट है, ये देख लीजिए, सितंबर के अंत तक जारी कर दिया जाएगा रिजल्ट। तो दोस्तों, ये सितंबर चल रहा है, आपको पता है 5 दिन बचे हैं, तो हो सकता है इन 5 दिन में आपका रिजल्ट आ जाए। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और 5 से 6 दिन का समय दिया जाएगा दोस्तों आपको इस पर समीक्षा करने के लिए। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही और जानकारी पाने के लिए। धन्यवाद।